ये शुरू हो गया है हमारा हिमाचल का रोड ट्रिप। हमने अपनी जर्नी शुरू करी करीबन 4:30 बजे दिल्ली से, और दिल्ली से 1.25 घंटा दूर हम आ पहुँचे हैं मूर्थल में। और मूर्थल में हम थोड़ा सा खाना पीना करेंगे और उसके बाद आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे। सो लेकर चलते हैं आपको हमारे इस हिमाचल रोड ट्रिप के सफ़र में, बने रहिएगा। आ गया है हमारा मूर्थल का पराठा, ट्राई करके बताते हैं। पहले अचारों के दर्शन करा देते हैं आपको। ये है मिक्स या फिर आम का, और साथ में है नींबू का भी अचार है इनका। नींबू का मैं अचार कहीं पे भी मिस नहीं करता, क्योंकि नींबू का बहुत खट्टा मीठा बढ़िया लगता है। मिर्ची को हम एक बार के लिए अवॉइड करेंगे, सफ़र लंबा। तो ये आ गया है हमारा, इन्होंने मक्खन बड़े फूल से रेट में दे रखा है, तो मक्खन को हम भर भर के लेंगे। मिक्स पराठा लिया है, आप स्टफिंग देखिए इसकी। ओके ओके ओके, मतलब इन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे तरह के पराठे सब कुछ इसमें डाला हुआ है। अभी हम ट्राई करके बताते हैं आपको। बारिश के मौसम में अगर ऐसा पराठा मिल जाए फिर और क्या ही चाहिए। रोड ट्रिप की बेस्ट शुरुआत है ये। सफ़र जब लंबा होता है तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। दिल्ली से जब आप चंडीगढ़ के रास्ते निकलते हैं तो आपको खूब सारे ढाबे मिलेंगे, बहुत सारी जगह मिलेंगे जहाँ पर आप खा सकते हो या फिर घूम सकते हो। एक हमको ये जगह मिली है जहाँ पर हमने मंगाए हैं पराठे, कोल्ड कॉफ़ी। अब देखो कैसा आता है और बताते हैं कुछ देर में। पिछले वाले अच्छी जगह के पराठे खा लिए, ये इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट ठीक है। स्टॉप है छोटा सा, चाय नाश्ता कर सकते, कॉफ़ी पी के बताते हैं। कॉफ़ी डिसेंट है, मीठी ज़्यादा है, दूध ज़्यादा है, कॉफ़ी कम है, बट ठीक है, चलता है इंडियन रोड ट्रिप में कभी कभार ऐसे भी दिख ही जाता है। आगे सफर में मिलते हैं। आनंदपुर साहिब, केशगढ़ साहिब में हम पहुंच चुके हैं, और मौसम बहुत प्रिटी है, वाइब्स बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। दिल्ली से हिमाचल की तरफ अगर आप आते हैं, स्पेसिफिकली अगर मंडी, अगर थोड़ा सा अगर आप ऑफ रूट होए तो आप आनंदपुर साहिब आ सकते हैं और इतना प्यारा नज़ारा ले सकते हैं, मज़ा आ जाएगा, ज़रूर आइएगा। वहाँ देखिए सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा है। आज सुबह ही बारिश आई है तो ये और ही ज़्यादा शानदार हो रहा है। प्रसाद जिसके लिए मैं हर गुरुद्वारे आता हूँ। हाँ जी सर, हर शायद हर कोई आता है। तो केशगढ़ साहिब जो कि आनंदपुर साहिब में है, ऐसी जगह है जहाँ पे खालसा की स्थापना हुई थी। अगर आप यहाँ से पास ऑन हो तो ज़रूर आइएगा। अब चलते हैं आपको लेके अगली डेस्टिनेशन पे। चलिए हम सोच रहे हैं कि हम ऊपर जाएं या ना जाएं, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और बारिश हो रही है वो अलग। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है शक्तिपीठ नैना देवी टेम्पल का, और समझ नहीं आ रहा जाए या नहीं जाए, क्योंकि आप सोचिए 2 बज रहे हैं और ऐसा मौसम है। देखते हैं आगे मिलिए, बताते हैं आपको। सो प्लान के मुताबिक हम वैसे भी थोड़ा सा अभी डिले चल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आगे ही चला जाए। हम
हमने यहीं से मत्था टेक लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं हम किधर जाते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपके साथ। नैना देवी से मंडी की तरफ अगर आप जाते हैं तो मंडी टनल रोड पे पड़ती है ये जगह, जहाँ पे हमने सोचा अपने लंच करने का। तो लेट्स सी यहाँ का खाना कैसा है, मिलते हैं आपको लंच पे। ओके चलिए एक झलक आपको इनके मेन्यू की दिखा देते हैं और रेट्स की। तो हमारे सामने आ गई है इनकी पीली दाल और इधर आपको कढ़ाई पनीर भी बड़ा शानदार नज़र आ रहा है और ये रहा मिक्स रायता जिसमें टमाटो प्याज और खीरा भी दिख रहा है, जानदार चीज़ लग रही है। और ये हमने मंगाई है बटर रोटी, रोटी अच्छी लग रही है। लेट्स सी कैसा है इनका पनीर, पनीर ट्राई कर पाए। स्मोकी बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इनका, दाल भी ट्राई करके बताते हैं कैसा है। कैसी दाल पीला, पीली पीली दाल, हिमाचल में आया और इनकी हरी मिर्च नहीं खाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पाइसनेस लेवल बहुत बढ़िया है। रायता भी इनका ट्राई करके बताते हैं। कुल मिला के एक होलसम मील है, रायता भी फ्रेश है और रोटी और सब्जी बहुत ही होम लाइक है। अगर आप आएँ नैना देवी टेम्पल से मंडी के रास्ते में पड़ता है ये बीच में ढाबा, आएँ ज़रूर ट्राई करें, मेरी रिकमेंडेशन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं आगे के सफ़र में। चलते चलते हम मंडी के आउटस्कर्ट्स पे पहुंच चुके हैं और अब लगी है थोड़ी भूख, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारे लिए खाने को। रास्ते के सफ़र में अगर गर्मा गर्म मैगी मिल जाए और जबकि आप पहाड़ों में हो तो आपको और क्या ही चाहिए। चीयर्स। मैगी डिसेंट है, थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है लेकिन चलता है। लेमन टी भी है हमारे साथ। चीयर्स। लेमन टी अच्छी है, अगर आप आए तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। जब आप हाईवे पे जाते हो आप देखते हैं हाइजीनिक है या नहीं जगह, आप देखते हैं वॉशरूम अच्छे हैं या नहीं, और ऑब्वियसली द लोकेशन, लोकेशन अच्छी है, वॉशरूम अच्छे है, और क्या ही चाहिए। चलो ठीक है जी, मिलते हैं अगली लोकेशन पे। और हम पहुंच गए हैं मंडी में, लेट्स ट्राई मंडी वाले धाम। हमारे पास आ गई हिमाचली धाम जो कि मंडियाली है स्पेसिफिकली, और हमारे पास अभी सेतु बड़ी आई है। एक एक करके सारे आइटम सर्व करने वाले हैं, इन्होंने कहा है कि 6 आइटम्स ये सर्व करेंगे, लास्ट वीक मीठा भी सर्व करेंगे, तो लेट्स सी कैसा है। काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर था, कुछ मसालों का बहुत मतलब तगड़ा स्वाद आ रहा है, तो एक एक करके सारे ट्राई करते हैं, एक साथ में आपको बता रहे हैं कैसा। अभी हमारे पास राजमा आ गए हैं, चलो ट्राई करके बताते हैं। शुरुआत में हमने चम्मच लेके गलती कर दी, मैंने ट्रेडिशनली हाथ से ही खाना चाहिए। राजमा का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। ये सेफू बड़ी है, काफ़ी फ्रूटी फ्रूटी सा टेस्ट है इसका, थोड़ा सा इनसे बात करने पर पता लगेगा कि क्या चीज़ है, बस खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी घर जैसा खाना है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या आती है। ये आ गई है माँ की दाल, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। काफ़ी होलसम है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। अभी तक 4 चीज़ें आ चुकी है, लेट्स सी आगे क्या क्या आता है। कड़ी कड़ी कड़ी
कड़ी आ गई लो जी, बड़ी जल्दी मस्त है। नाउ वेटिंग फॉर माय लास्ट वन, मीठा। मीठा ये क्या चीज है बताना? इनका मीठा चावल के साथ खाया जाता है। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मीठा चावल के साथ बढ़िया लगेगा। अगर आप पूछो कि इन छहों चीज़ों में से कौन सी बढ़िया चीज़ लगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में एक अच्छी है। अलग मसाले हैं, सबका अलग एक यूनिकनेस है। अगर आप मंडी आते हैं कभी भी हिमाचल, तो ये ज़रूर ट्राई करें मंडियाली धाम। बस स्टैंड के जस्ट सामने है शर्मा ढाबा, ज़रूर ट्राई करें। और आई गेस ये अनलिमिटेड है 120 में। ये है विक्टोरिया ब्रिज, जो आप एक पतली सी लाइन देख रहे हैं। गाड़ी शायद यहीं तक जाती है, उसके बाद आपको वहाँ पे पैदल चल के जाना पड़ता है। रात काफ़ी हो गई है तो हम अभी नहीं जा पा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। फाइनली डे वन ऑफ हिमाचल रोड ट्रिप समाप्त। अब डे टू की बारी, जो कि हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बैकपैकर इंडियन को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ लाइक, और कमेंट करिए आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा डे वन का। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। इस होटल का टूर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।